छह बार फेल हुए लेकिन हार नहीं मानी। गरीबी से जूझते हुए पास की यूपीएससी की परीक्षा, संघर्ष से जीतना सिखा रही है आईएएस के जय गणेश की कहानी। एक बार नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में छह बार हारा ये अधिकारी, लेकिन अपनी हर हार से ली प्रेरणा और पास किया यूपीएससी। आईएएस अधिकारी बनने के लिए ठुकरा दी इंटेलिजेंस ब्यूरो की नौकरी। बिना सुविधाओं के संघर्ष कैसे किया जाता है, इस अधिकारी का किरदार सिखाता है। संघर्ष पथ पर जो मिले, ये भी सही वो भी सही, ये लाइनें उन लोगों को समर्पित हैं जो जिंदगी की तमाम चुनौतियों के बावजूद अपने कर्म से पीछे नहीं हटते और आखिर में सफलता ही इन लोगों के कदम चूमने लगती है। संघर्ष तो हर इंसान के जीवन में है, लेकिन मायने ये रखता है कि आप उस संघर्ष में किस तरह से सफल बनने की तैयारी कर रहे हैं। आज देश के कोने कोने में लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। कुछ के पास हर सुख सुविधा है तो कुछ के पास गरीबी और संघर्ष के साथ साथ कुछ कर दिखाने का सपना, जो एक ना एक दिन उन्हें सफलता से जरूर मिलवा देता है। ऐसे ही सफलता की कहानी आज हम आपके लिए लाए हैं, जो आईएएस अफसर के जय गणेश की है। एक गरीब परिवार में पले बड़े जय गणेश ने यूपीएससी के एग्जाम में छह बार फेल हुए और इनके अथक प्रयासों के मद्देनजर आईबी नौकरी ऑफर की, लेकिन मिशन तो आईएएस बनना था और इसलिए दोबारा हिम्मत जुटाकर तैयारी में जुट गए और सातवें प्रयास में 156वीं रैंक के साथ आईएएस अफसर बन गए। आईएएस अफसर के जय गणेशन का जन्म तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में हुआ। विनामंगलम के एक छोटे से गांव में उनका पूरा परिवार रहता था। परिवार की स्थिति आर्थिक रूप से कमजोर थी। पिता एक फैक्ट्री में काम करते थे, जैसे तैसे परिवार का खर्च निकलता था और इन परिस्थितियों से जय गणेश अच्छी तरीके से वाकिफ थे। अपने परिवार के साथ साथ गांव की गरीबी को दूर करने का सपना तो बचपन से ही दिमाग में पल रहा था और इसीलिए पढ़ाई लिखाई नहीं छोड़ी। आईएएस के जय गणेश ने अपने गांव में 10वीं तक पढ़ाई की और नौकरी मिलने के सपने को लेकर एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में दाखिला लिया। पढ़ाई में आगे जय गणेश ने 91% नंबरों के साथ कॉलेज की पहली कॉलेज डिग्री ली। आगे की पढ़ाई के लिए टाटी पेरियार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने पहुंच गए। यहाँ भी शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया और कॉलेज पास करते ही 2500 रुपए की नौकरी मिल गई। दुनिया भर की मेहनत करने के बाद नौकरी मिलना खुशी की बात होती है, लेकिन ये सैलरी परिवार को गरीबी से उभारने के लिए काफी नहीं। काफी समय से दिमाग में आईएएस बनने का ख्वाब पल रहा था। जब होश संभाला तो नौकरी छोड़ यूपीएससी की तैयारी में जुट गए। हर देश के लाखों युवा सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन एक बार परीक्षा निकाल पाना हर किसी के भाग्य में नहीं होता, लेकिन असली विजेता तो वही होता है जो भाग्य को पीछे छोड़ दे। आईएएस ऑफिसर के जय गणेशन भी यूपीएससी की तैयारी में लगे रहे। मन में ठान लिया कि जब तक पास नहीं होंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। उनका यही प्रण हर असफलता के बाद हौसला बना। छह बार एग्जाम दिया लेकिन सफलता नहीं मिली। हिम्मत ना हारते हुए पढ़ाई में लगे रहे और इस बीच परिवार की आर्थिक परेशानी और मानसिक दबाव में आकर छोटे मोटे काम भी किए। पढ़ाई के लिए समय निकाला और छठवें एग्जाम के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो की परीक्षा के लिए चयन हो गया। आईएएस के जय गणेशन ने इंटेलिजेंस ब्यूरो की नौकरी करने की बजाय दोबारा यूपीएससी को चुना। ये फैसला काफी मुश्किल था, लेकिन इन संघर्षों के बीच सातवीं बार यूपीएससी की परीक्षा दी। मेहनत, हिम्मत और हौसले बांधे रखना फायदेमंद साबित हुआ और यूपीएससी की परीक्षा पास करते हुए 156वीं रैंक हासिल कर ली। आज के युवा धैर्य की कमी के चलते पहली या दूसरी बार में यूपीएससी परीक्षा या जिंदगी के दूसरे इम्तिहानों को बीच में छोड़ देते हैं। ऐसे में आज देश के लाखों युवाओं के लिए आईएएस अधिकारी के जय गणेश मिसाल बनकर सामने आए हैं।